हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की बड़ी खबर, दोस्तों आईपीएल 2024 का आज 56वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। दोस्तों ये मुकाबला बड़ा ही रोमांचक होने वाला है। तो दोस्तों क्या होगी दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 और कौन सी टीम यहाँ पर जीतेगी, इस वीडियो में जानेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ जानेंगे पिच रिपोर्ट क्या है और कौन सी टीम कितने अंकों के साथ कौन से स्थान पर है और कौन सा स्टेडियम में कितने समय शुरू होगा आईपीएल 2024 का 56वां मुकाबला। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, रोजाना आईपीएल के ताजा अपडेट जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 के 17वें सीजन का आज 56वां मैच दिल्ली कैपिटल और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। दोस्तों ये मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे होगा। आपको बता दें कि पिच रिपोर्ट कैसी हो सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली और राजस्थान दोनों टीमों का आईपीएल 2024 में प्रदर्शन कैसा रहा है। दोस्तों दिल्ली कैपिटल को दौड़ में बने रहने के लिए ये मुकाबला जीतना जरूरी होगा। आपको बता दें कि ऋषभ पंत की कप्तानी वाली टीम ने अभी तक 11 मैचों में से 5 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि 6 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों वे अंक तालिका में 10 अंकों के साथ 6ठे स्थान पर मौजूद है। दोस्तों उधर राजस्थान रॉयल्स का ये सीजन शानदार रहा है। दोस्तों संजू सैमसन की कप्तानी वाली टीम ने 10 मैचों में से 8 मैचों में जीत दर्ज की, महज 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों वह अंक तालिका में पूरे 16 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर मौजूद है। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली और राजस्थान कैसी हो सकती है अरुण जेटली स्टेडियम की पिच। दोस्तों नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में वाइड मैचों के बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए एक संतुलित सतह प्रदान की गई है। दोस्तों इस स्थान पर हाल के खेलों में गेंदबाजों का दबदबा रहता है। दोस्तों और टीमें पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर बनाने के संघर्ष में लगी रहती है। दोस्तों पुरानी पिचों पर दूसरी पारी में विकेट नीचे आ जाता है और दोस्तों ऐसे में दोनों टीमें पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेंगी। दोस्तों जो टॉस जीतेगी वो पहले यहाँ पर बल्लेबाजी करना पसंद करेगी। तो दोस्तों क्या है दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 और हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या है, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड, दोस्तों दिल्ली और राजस्थान के बीच कुल 28 मैच खेले गए, जिसमें से राजस्थान ने 15 मुकाबलों में जीत हासिल की है और दिल्ली ने 13 मुकाबलों में जीत हासिल की है। दोस्तों यहाँ पर भी राजस्थान का पल्ला भारी नजर आ रहा है। तो दोस्तों क्या है दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की संभावित प्लेइंग 11 एसबी जायसवाल, जोस बॉटलर, संजू सैमसन कप्तान और विकेट कीपर, रियान पराग, सिमरन हार्टमेयर, रोमेन पवेल, रवेन चंद्र रसबन, ट्रेट बोल्ड, आवेश खान, संदीप शर्मा, योगेंद्र चहल। दोस्तों दिल्ली कैपिटल की संभावित प्लेइंग 11 पृथ्वी शाह, जैक फ्रेजर, अभिषेक पोरेल, साई होप, ऋषभ पंत कप्तान और विकेट कीपर, अक्षर पटेल, डिस्टर्न डिस्टूब, कुलदीप यादव, राशिक सलाम, लिजाद विलियमसन, खलील अहमद। दोस्तों ये दोनों टीमें आज शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेलेंगे और दोस्तों यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स फिर मारेगी बाजी। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स जीतने की पूरी संभावना है। दोस्तों यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स जीतेगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है आईपीएल 2024 का 56वां मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी, दोस्तों दिल्ली जीतेगी या फिर जीतेगी राजस्थान, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, रोजाना आईपीएल के ताजा अपडेट जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।